दोस्तों, अभी अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और अभी अभी विद इन 2 मिनट्स मैंने एक नया व्लॉग स्टार्ट किया है उसी सेम जगह पे बैठ के। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो मत भूलना सब्सक्राइब करना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करना, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में लिख कर बताना। इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खैर, नया दिन नई शुरुआत। लंच के टाइम हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हो चुका है। लंच में आपको पता है मैं क्या बनाने जा रही हूँ अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है, और अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ क्या बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। आज बन रहे हैं राजमा चावल। मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। और बच्चे आपको पता ही है क्या कर रहे हैं, पतिदेव काम पे गए हैं, रश्मि आंटी फटाफट काम कर रहे हैं, तो अभी अपन शुरू करते हैं फटाफट से बनाना राजमा चावल। मिली समाचार के तहत हमें आज ये पता चल रहा है कि बेबो का दूसरा दांत टूट चुका है, और ये रही बेबो। आइए आइए आइए, तेरा मेरा दांत, ये देखो मेरा छुपकू का दांत, ये देखो कहाँ गया। मम्मा एक्साइटमेंट में गिरा दी, ये देखो छुटू सदा कितना क्यूट है ना। देखो मेरे दांत से क्या निकल रहा है, देखो दिखाओ अपने दांत सब की। बीच में खिड़की बन गई, बेबो के मुंह में खिड़की बन गई। बताओ, बधाई हो, दांत टूट गया। तो चावल बन रहे हैं, दूध गर्म हुआ हुआ है, और ये पैन हमने रख दिया है राजमा चावल के लिए, राजमा के लिए। और इसमें मैं सबसे पहले ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल आपकी श्रद्धा अनुसार है, आप जितना खाना चाहिए उतना डाल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। हम 2 टेबलस्पून बड़े वाले टेबलस्पून है, 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम मसाले, और तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे के साथ ही हम डालेंगे चॉप किए हुए अनियन, थोड़ा सा गार्लिक, ग्रीन चिली, और मैंने टमाटर की और हरी मिर्च की प्योरी बना के रखी है। वो राजमा हमने बॉईल कर लिए, रात में मैंने सोक कर दिए थे और सुबह मैंने इनको 2 विसल्स लगाने तक पका लिया। मेरे राजमा अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, सी है ना। तो बस अभी शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा और थोड़ी सी हींग। हींग डालने से क्या होता है ना, गैस नहीं होती, तो हींग अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज हम बनाते हैं तो हमें उसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर देनी चाहिए हेल्थ के लिए। साथ में अब हम डालेंगे इसमें जीरा हमारा चट चुका, हींग हमारी अच्छी तरह हो गई है, और अब हम डाल रहे हैं हमारी चौथी सब्जियां। और इसके लिए हम लेंगे हमारा वुडन स्पैचुला। तो हमारे अनियन पक चुके हैं और ये वक्त है कि हम टमाटर प्यूरी डालने से पहले 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, टीस्पून। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें हमारी टमाटर प्यूरी। ठीक है, टमाटर में अच्छा सा बॉईल आ गया प्योरी में। अब मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैंने डाला है रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और बच्चे खाएंगे तो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हो डिपेंडिंग ऑन दैट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉईल किए हुए राजमा विथ पानी, और इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और गैस के फ्लेम को अब हम फुल ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे, और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि सारे मसाले राजमा के साथ
तो बस गैस को फुल रहने दूंगी जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। जब इसमें बॉईल आ जाएगा उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी, ढक कर इसे पकने दूंगी। इसका एक्सेस वाटर जो है उसे डिजोल्व होने दूंगी और फिर ग्लास में जो बचेगा एक अच्छी सी ग्रेवी के साथ हमारे राजमा। गरमा गरम चावल बनकर तैयार। मैं इसे ढक दूंगी। ये ढक दिया, अभी जब तक बन रहा है तब तक मैं हमारे दूसरे काम कर लेती हूँ। सारे काम हो गए और राजमा भी बन गए। अब मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। एक्सेस पानी जितना था वो निकल चुका है, उड़ चुका है। अब मैं गैस को फुल कर देती हूँ और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी निकल जाएगा। इस स्टेज पे मैं एक बार राजमा को टेस्ट भी कर लेती हूँ कि पता चल जाएगी कुछ कम बेसी है तो, है ना। पके हुए तो अच्छे से हैं राजमा मेरे, इसे टेस्ट कर लेते हैं। नमक इसमें कम है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी शक्कर, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है हल्की सी चीनी भी डाल दो ना तो खाने का टेस्ट ही बदल जाता है, ऐसा है। और मैं साथ में इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, एक हल्का सा टंच ऑफ खटास के लिए। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स हो जाने देती हूँ। तब तक धनिया चॉप कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी इंडियन डिश बिना धनिये के अधूरी है। And now it's time to hydrate yourself. तो सारा काम करके इतना अच्छा लग रहा है, पूरे घर की डस्टिंग हो चुकी, क्लीनिंग हो चुकी, बच्चों का फ्रूट्स टाइम हो चुका, ब्रेकफास्ट डन हो चुका, लंच बन चुका, रवि काम करके आ चुका, मैं नारियल पानी पी रही हूँ। और नारियल पानी के बारे में आपको एक टिप बताना चाहती हूँ, बहुत लोग जो होते हैं नारियल पानी ना शट शट पी जाते हैं,
बट नारियल पानी को आराम आराम से एक एक सिप लेके इत्मीनान से पीना चाहिए। हम नारियल पानी क्यों पीते हैं? अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में नारियल पानी काम करे, ठीक है। लेकिन जब हम एकदम शट शट नारियल पानी पी जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम शट शट पीते हैं वैसे ही वो शट शट तुरंत निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द ड्रिंकिंग थिंग, ऑल लिक्विड थिंग, कोई भी तरह का जूस हो, कोई भी तरह का लिक्विड हो, पानी हो, आप आमरस पी रहे हो, नींबू पानी पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, शेक पी रहे हो, दूध पी रहे हो, इट अप्लाइज टू एवरी लिक्विड आइटम यू आर हैविंग। किसी भी लिक्विड आइटम को जिससे आपको कोई बेनिफिट चाहिए उसे आपको आराम आराम से पीना चाहिए, एक बार में शट शट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर आप शट शट पीते हो तो वो शट शट आपकी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। और जब आप उसे टेस्ट लेकर धीरे धीरे पीते हो तो वो आपकी बॉडी में अपना काम करता है, आराम से काफ़ी टाइम तक रहता है, आपको ज़्यादा टाइम तक एनर्जी देता है, एंड देन वो स्लोली ड्रेन आउट होता है, एंड दैट इज द वे यू ड्रिंक एनी लिक्विड आइटम। तो ये था आज का ज्ञान, आई होप आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा हो। अब पीछे आ रही है एक मन मन मुस्कान, बहुत ज्यादा बोल रही है, खुद कुछ अप्लाई नहीं करती। अरे किसी से नॉलेज मिली तो सोचा शेयर करना तो बनता है। लेकिन नारियल पानी अब मैं आराम से पीती हूँ, और मैंने ये देखा है पहले जब मैं शट शट पीती थी ना तुरंत भागती थी, अरे सुसुआई भागो, पानी के साथ भी यही होता था। लेकिन अब मैंने धीरे धीरे पीना शुरू किया तो क्या होता है, जब मैं धीरे धीरे आराम आराम से इत्मीनान से पीती हूँ ना तो मुझे भूख भी धीरे धीरे लगती है, ऐसे चट चट भूख नहीं लग जाती, तो मैं धीरे धीरे अपना नारियल पानी इंजॉय करती हूँ। और आप मेरे ज्ञान पर अमल करें। Do 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 do. Oh, baby! Wow, I love it. Nice. और क्या आता है आपको करना? कुछ तो करो, कुछ तो करो. ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप मत करना, ये बम्पी दिख जाएगी, ऐसे मत कर। मेरा पैपी डाटा। आपका बैडमिंटन? आना 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 आना, सुनो ना आना, सुन रहे हो क्या? अरे सुनो तो, सुनो ना,
अन्ना सुनो ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो गई क्या तुम? सो गई हो क्या? नींद आ रही है क्या? रात में इसे परेशान करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। नीचे खेल के आए, खूब मजे करके आए, फिर घर आके वापस रवि के साथ बैडमिंटन खेला है, तब जाके मानी है बेबो। ये देखो इसके साथ ऐसे कडल करके सोने में जो मजा है किसी और चीज में नहीं। खैर, और फिर फटाफट से खाना बना। खाना बनने के बाद मैंने अपना सूप बनाया, मैंने अपना सूप पिया और फिर बेबू और हाना को स्कूल का आज होमवर्क कराया, दोनों को आज शाम में कराया। और जैसे ही आहाना को होमवर्क करने के लिए बैठाया, दो पेज किए और आहाना मैडम को नींद आने लगी। तो आहाना आज 9:15 के अप्रॉक्स हो गई और बेबू ने फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट किया और 10:00 माँ के पास जाके सो गया। कभी कभी जब ये बात अच्छे से मान लेती ना एक बार में, मुझे इतनी खुशी होती है बताने से। खैर अब रात हो गई, मैं भी सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। गुड नाइट, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, ऑल इज वेल।